तो बात है साल 2010 की, इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था। ज़्यादातर लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और जो लोग बहुत ही दूर का सोचते थे, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, मैं उनमें से नहीं था। मैं कर रहा था CRT, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। क्यों कर रहा था ये मुझे भी नहीं पता। शायद मैं उस वक्त काफ़ी कंफ्यूज था, डरा हुआ था कि सब लोग का कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा, इसलिए भेड़ चाल में हमने भी CRT ज्वाइन कर लिया। देखो, ऐसा नहीं था कि म्यूज़िक का गोल नहीं था, तब भी पता था म्यूज़िक तो करना है, लेकिन एक तरीके से बचपना ही चल रहा था कि बड़े हो जाएंगे तब म्यूज़िक करेंगे, बड़े हो जाएंगे तब म्यूज़िक करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई यही वो टाइम है, बड़े हो गए हैं, अब डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है। सो वन डे मैं अपने HOD की केबिन में गया और उन्हें बताया कि सर प्लेसमेंट की जो लिस्ट है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे बैठ सकते थे उसमें, तो सर से रिक्वेस्ट की कि सर मेरा नाम उसमें से हटा दो, फालतू में मेरी वजह से किसी एक बंदे की जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है इस चीज़ की, उसकी अपॉर्चुनिटी जाएगी, और मुझे वैसे भी ये करना नहीं है, मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, तो मेरा इस लिस्ट में से नाम हटा दीजिए। अब उस दिन के बाद 2020 चल रहा है, 10 साल हो चुके हैं। आई बीन डूइंग म्यूज़िक फुल टाइम फॉर लास्ट 4 ईयर्स। इस साल मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन की कोचिंग देना वो भी शुरू किया ऑनलाइन। लेकिन एक बात जो शायद कई लोग को नहीं पता वो ये है कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, मैं किसी कॉलेज में नहीं गया था। तो जब इतनी क्लैरिटी थी कि म्यूज़िक ही करना है और दूसरा कोई लॉजिकल सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था कि इंडस्ट्री में तो किसी की जान पहचान है नहीं, इंडस्ट्री तो दूर मुंबई शहर में भी उस वक्त मैं किसी को नहीं जानता था, तो जो इकलौता लॉजिकल सॉल्यूशन मेरे लिए था वो ये था कि मैं या तो म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स कर लूँ या साउंड इंजीनियरिंग कर लूँ। उन दोनों के बीच भी कन्फ्यूजन थी कि क्या करें। बाय द वे, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप में से भी किसी को अभी तक कन्फ्यूजन है वो ज़रूर देखें। तो ये दोनों के बीच मैं कन्फ्यूज़ था कि क्या करूँ, एंड इवेंचुअली हुआ ये कि दोनों में से मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया ये वीडियो उसके बारे में। तो बात शुरू हुई जब पहले किसी ने FTII के बारे में बताया, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में है। फिर थोड़े टाइम बाद पता लगा कि भाई वहाँ पे तो साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स होता है और साउंड इंजीनियरिंग बिल्कुल मेरे कुछ काम की है नहीं, तो वो चीज़ कैंसिल हुई। फिर आई म्यूज़िक प्रोडक्शन की बात, तो उसमें मेरी पसंद के जो कॉलेजेस थे जहाँ पे मुझे लगता था कि अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं, वो सारे इंडिया के बाहर थे और फीस भाई साहब बहुत तगड़ी, कि जैसे बर्कली जैसे कॉलेजेस हैं, कोई भी उसका ब्रांच ले लो तो रफली अभी के टाइम में भी इवन 50 लाख जैसे हो जाते हैं। उस वक्त अभी के कंपैरिजन में शायद थोड़े रेट्स कम थे, लेकिन बाय दो स्टैंडर्ड्स द रेट्स वर स्टिल वेरी हाई। और कोई भी डिसेंट सा कॉलेज ले लो, उसमें रहने का खर्च भी अगर आप दूसरी कंट्री का कुछ निकाल रहे हो तो अराउंड 15-20 लाख का एक्सपेंडिचर आ ही रहा था। और उस वक्त हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की थी कि 15-20 लाख तो बहुत दूर की बात है, आई थिंक शायद हमारे पास 2.5-3 लाख रुपए भी नहीं थे कैश में। तो ये कुछ फैक्टर्स के पैसे नहीं हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स कर लेने के बाद भी मान लो मैं लोन लेके कर लेता तो इन कोर्सेज़ में क्या है, जॉब की गारंटी नहीं होती, अनलाइक इंजीनियरिंग कोर्सेज़। कोई प्लेसमेंट वगैरह के लिए कंपनीज़ नहीं आती ज़्यादातर कॉलेजेस में, बिकॉज इंडिया में म्यूज़िक अभी भी इतना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं होता है कि एक शॉर्ट वे है, आप यहाँ जाके कोर्स लो, डिग्री लो, कहीं पे जाके इंटरव्यू दो और आपको जॉब मिल जाएगी। इस तरह का जॉब मार्केट म्यूज़िक इंडस्ट्री में एटलीस्ट नहीं है। तो आज से 10 साल पहले की आप बात सोच सकते हो कि किस तरह की हालत उस टाइम पे होगी। एक और फैक्टर था मेरी एज, बिकॉज मैं ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 साल दे चुका था, आई वॉज 22, और कोर्स ख़त्म करने के बाद 24-25 साल का होता, जॉब की कोई गारंटी नहीं, प्लस इतना लोन ले चुके हैं तो वो पैसे जो फीस के लिए खर्च किए हैं वो रिकवर करने में ही शायद मुझे और 3-4 साल लग जाते, तब तक 28 का हो चुका होता, एंड इट वुड हैव बीन वेरी इम्प्रैक्टिकल। और जैसा कि मैंने बताया कि घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि इतने लंबे टाइम के लिए फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी वाला कोई भी प्रोफेशन जो है मैं वो परस्यू नहीं कर सकता था। तो अब क्या करें, ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं थी, ऐसे में
जब तक फ्यूचर को लेके कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, मैंने टेम्पररीली अहमदाबाद में ही एक जॉब पकड़ लिया। तो ऐसे में थोड़ा बहुत लक फैक्टर और डेस्टिनी भी काम करती है। जॉब मुझे मिला एक इंटरनेट रेडियो स्टेशन में, और जॉब प्रोफाइल क्या थी? साउंड इंजीनियर। तो भाई ये कैसे हुआ? तो जो इंटरनेट रेडियो स्टेशन लॉन्च हो रहा था अहमदाबाद में, बाय द वे बहुत ही छोटा मार्केट है अगर मीडिया की बात करें तो, और उस वक्त इंटरनेट रेडियो का काफ़ी ट्रेंड चला था। अभी तो काफ़ी लोग भूल चुके हैं, लेकिन अराउंड 2009-10-11 इंटरनेट रेडियो वॉज अ क्रेज़। तो अहमदाबाद में एस्ट्रोलॉजी के लिए एक डेडिकेटेड इंटरनेट रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ था, और वहाँ पे साउंड इंजीनियर के लिए वैकेंसी खाली थी। तो अहमदाबाद में जो गिने चुने रेडियो स्टेशंस हैं, उसमें जितने भी लोग साउंड इंजीनियर या प्रोमो प्रोड्यूसर की पोस्ट पे हैं, तो वो तो अपनी जगह भाई सिक्योर करके बैठे हुए हैं, वो तो वहाँ से छोड़ने वाले नहीं थे, बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड मेन स्ट्रीम रेडियो स्टेशन। पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, और छोड़ के जाएँ तो जाएँ कहाँ, गिने चुने ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और उन एक्सपीरियंस्ड साउंड इंजीनियर्स को हायर करने के लिए ये जो स्टार्टअप था इंटरनेट रेडियो का, उन्हें बहुत ज़्यादा पैकेज ऑफर करना पड़ता, जो उनके लिए फिजिबल नहीं था, बिकॉज दे ऑल्सो वर नॉट श्योर कि इसको कितने टाइम तक आगे कंटिन्यू करना है। और मुझे फ़ायदा वहाँ हो गया कि मैंने अपने कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में अहमदाबाद के एक छोटे से स्टूडियो में जाके थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी। सीखने को शायद उतना ज़्यादा मिला नहीं था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस ज़रूर डेवलप हो गया था कि मिक्सर ऑपरेट कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द कंपनी वाज लुकिंग फॉर। एक और एडवांटेज वहाँ मिला कि जिस आदमी को उस इंटरनेट रेडियो का स्टूडियो सेटअप करने का प्रोजेक्ट मिला हुआ था, वो मेरे फ्रेंड के जान पहचान के थे, और उन्हें कमीशन मिलता अगर वो साउंड इंजीनियर्स या फिर कोई भी स्टाफ जो है वो उनको सजेस्ट करते, रिकमेंड करते। तो उन्होंने मेरे दोस्त का नाम रिकमेंड किया फॉर साउंड इंजीनियर्स पोस्ट। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ही साथ में स्टूडियो में ट्रेनिंग लेते थे। वो गया और इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि आपके ध्यान में कोई और है, बिकॉज हमें सिर्फ एक नहीं दो साउंड इंजीनियर्स चाहिए सो दैट वो शिफ्ट में काम कर सकें। तो उसने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया। उस जगह पे 10,000 रुपये महीना इस सैलरी पे अपनी पहली जॉब पे लगे। अब जॉब थी एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम्स हमें रिकॉर्ड करने हैं, विच वॉज वेरी बोरिंग स्टफ़। अब उस जॉब को लेके हम दोनों ही एक्साइटेड नहीं थे, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों ही सोच रहे थे कि आगे कुछ तो करना है। तब तक हमारे दिमाग से म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स करने का भूत उतरा नहीं था। मेरे फ्रेंड ने 3 महीने में वो जॉब छोड़ दी, उसने इधर उधर कुछ और कोर्सेज ट्राई किए, एंड इवेंचुअली ही डिसाइडेड टू मूव अब्रॉड टू परस्यू अ म्यूज़िक प्रोडक्शन डिग्री। और बाहर जाने का मेरा तो कोई स्कोप था नहीं, मैं यही कोशिश कर रहा था कि थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएं ये जॉब करके, तो शायद इंडिया में ही कोई कोर्स कर लूं। लेकिन ये जॉब करते हुए कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिसने मेरी सोच काफ़ी बदली, और जो मेरा डिसीजन था, मैं सोचे जा रहा था कि म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स तो करना ही है, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा, वो चेंज हुआ। सबसे पहला तो ये कि वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स आते थे रिकॉर्डिंग में या स्टूडियो में, कुछ भी इशू आ रहा है तो वो प्रॉब्लम्स मुझे खुद ही सॉल्व करने पड़ रहे थे। अब सीखा हुआ तो था नहीं, तो कैसे कर रहा हूँ? जो भी प्रॉब्लम आ रहा है गूगल किया, पूरे दिन लगे रहे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे ज़्यादा इश्यूज़ मैं टैकल करता गया, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि खुद सीख सकते हैं, इंटरनेट पे इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि अभी के कंपैरिजन में काफ़ी कम थे। यूट्यूब पे उतने वीडियोस नहीं हुआ करते थे। दूसरी ये बात समझ आई कि म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे इस फील्ड का 100% नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो 80-20 रूल मैं अपने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि मुझे जो मेरा पर्पस है सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, तो उसके लिए फील्ड का 20% नॉलेज भी एटलीस्ट काम शुरू करने के लिए तो इनफ है। उस वक्त भी मेरे पास फील्ड का हार्डली 15-20% नॉलेज होगा, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस्ड मीडिया के लोग वहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए आते थे, उन्हें कभी भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ और मैंने कभी ये चीज़ पहले की नहीं हुई है। एक और चीज़ जो वहाँ पर मेरे साथ हुई, जो कि मेरा फाइनल करियर का जो गोल है उसके साथ काफ़ी अलाइनमेंट में थी, वो ये कि मुझे वहाँ पर प्रोमोस प्रोड्यूस करने का चांस मिला, जिंगल प्रोड्यूस करने का चांस मिला। सो द कंपनी वॉज लुकिंग फॉर स्टूडियोज़ एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जो कि हमारे रेडियो स्टेशन के लिए हमें जिंगल्स वगैरह बना के दे, एंड दैट वॉज जस्ट द परफेक्ट काइंड ऑफ स्टार्ट दैट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर, क्योंकि मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट गाने में, कंपोज करने में और लिखने में था, और वो तीनों चीज़ें मुझे वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिली। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एक्सपीरियंस गेन करता गया, मेरा नेचुरली इंक्लिनेशन बढ़ा म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने की तरफ, और तब तक यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट बढ़ने लगा था म्यूज़िक प्रोडक्शन रिलेटेड वीडियोस का। तो उस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प की कि मैं खुद से ही अपने टाइम पे स्लोली स्लोली ये काम सीख सकूं। तो जो फॉर्मूला मैं आप में से हर उसको जो कि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है,
जिसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम म्यूज़िक भी परस्यू करना चाहता है। तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसके बारे में मुझे खुद इस कोइंसिडेंस की वजह से ही पता लगा कि पैसे कमाने के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब ऐसी है कि जिसमें थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है सीखने के लिए, इवन ऑन जॉब मैं सीख रहा हूँ और सीखते सीखते उसी काम के पैसे भी मिल रहे हैं, और उससे भी बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस के काम शुरू करने के लिए 100% नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एट एनी पॉइंट इन टाइम आपके पास जितना भी नॉलेज है, जितनी भी स्किल्स आपने डेवलप की हैं, उसका यूज़ करके आप बेस्ट में बेस्ट क्या क्रिएट कर सकते हो वो बनाओ, दुनिया के सामने रखो। आपको फीडबैक मिलेगा, शायद गालियाँ भी पड़े, उससे सीखो, सीखना चालू रखो, और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है आपका काम भी इम्प्रूव होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि म्यूज़िक प्रोडक्शन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप इंटरनेट से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। वो जो फेज़ है सीखने का, ड्यूरेशन है, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम में से कई लोग हैं जिनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो खुशी की बात यह है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे नॉलेज के जितने भी रिसोर्सेस हैं वो ओपनली अवेलेबल हैं। सो मेक यूज़ ऑफ ऑल द ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन दैट्स आउट देयर ऑन द इंटरनेट, और पैसे कमाने के लिए साइड में कोई छोटी मोटी जॉब ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिना कोई लोड लिए रिलैक्स रह के आप म्यूज़िक में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और जहाँ तक बात है फेम वगैरह की, तो वो भी अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो धीरे धीरे वो भी आना स्टार्ट हो जाता है। सो टू एनीवन हु इज़ करंटली रियली वरीड अबाउट हिज और हर फ्यूचर, आपसे बस इतना ही कहूँगा कि टेंशन मत लीजिए, सिट बैक, रिलैक्स, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, और कल से ये सोचना शुरू कीजिए कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के कोर्सेस अगर बहुत एक्सपेंसिव हैं तो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो।